हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो एक बार मैं फिर से रीजनिंग लेके आया हूं आपके लिए वीकेंड स्पेशल। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, हम पढ़ेंगे सिलॉजिज्म के बारे में, न्याय निगमन। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या चीज होती है और ये किस इसका बेसिक फंडा क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिलॉजिज्म में क्या कौन कौन सी कंडीशन होती है और कौन कौन से फिगर्स होते हैं। बचपन से हम लोग छोटा छोटा तरीके से करते आए, लेकिन कभी उन्होंने उसको एक चैप्टर के रूप में कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो पहले आता है एक इसीलिए क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं। पहले आते हैं कंडीशंस पे। एक होती है ऑल की कंडीशन होती है ऑल, ठीक है। एक होती है सम की कंडीशन, ठीक है। इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। All means सभी, ठीक है, और some means कुछ, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है। All means होता है कि कोई भी गोला, अगर मैं स्पेशली फिगर से मैं आपको बताऊंगा, तो अगर यहां पर कोई चीज लिखी है तो उसका भी मतलब वो पूरे तरीके से कवर कर लेता है। कोई छोटी क्लास होती है या छोटी सी चीज लीजिए, उसको अगर कोई चीज पूरी तरीके से कवर कर देती है तो बोलते हैं ऑल, पूरी तरीके से उसने कवर कर लिया है ऑल पूरी तरीके से, ठीक है। कुछ कुछ मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। लाइक जैसे ये है तो यहां से छोटा सा कोई हिस्सा काट दिया जाए, यहां से ऊपर से दाएं बाएं लेफ्ट किधर से भी छोटा सा अगर हिस्सा काट लेते हैं तो उसको बोलते हैं कुछ। वो आता था सम की कंडीशन में। इसके बाद आती है एक कंडीशन नो की, यानी कि नहीं, ठीक है। नहीं कंडीशन में क्या होता है, एक गोला यहाँ एक गोला वहां और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, यानी कि ये पड़ोसी हैं, ये दूसरे को नहीं जानते। ये दो पड़ोसी हैं, ये दोनों आपस में घुले मिले रहते हैं, बहुत अच्छे किस्म के पड़ोसी हैं भाई, दोनों आपस में घुले मिले रहते हैं, मिल जुल के रहते हैं। यहाँ पर भाई घर का एक सदस्य तो बगल वाले पड़ोसी से मिलता जुलता है, बाकी के तीन सदस्य नहीं मिलते जुलते हैं, ठीक है, सिंपल वे में आप समझिए। और यहाँ वाले जो कंडीशन है नहीं कंडीशन होती, इसमें कोई पड़ोसी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, दोनों के बीच में दुश्मनी रहती है। बस आप ये समझ लीजिएगा, ये बेसिक चीजें हैं। अब इस चीज पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है सम ए आर बी ऑल सी आर बी नो इज सी इज डी, तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर काउंट करेंगे तो कैसा होगा वो देख लीजिए। फिगर के तरीके से फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे और क्वेश्चन निकालेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये कंक्लूजन है, ये ऑप्शन मत समझिएगा, ये क्वेश्चन है, ये कंक्लूजन है, ऑप्शन इसके बाद आते हैं। ऑप्शन जैसे होते हैं यहाँ पर, ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि क्या ओनली वन करेक्ट, लाइक जैसे वन करेक्ट, ठीक है, सेकेंड हो गया, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट, ठीक है, ऑल करेक्ट हो गया, एक नो करेक्ट हो गया, मतलब नन हो गया, नन ऑफ द हो गया, और एक आइदर और की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आती है, ऑप्शन है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये ऑप्शन है, ये कंक्लूजन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले सम ए आर बी, यानी कि ए कोई चीज होगी उसमें से कुछ हिस्सा बी को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से लेके चलते हैं, जैसे कि ए यहां पर कोई चीज है उससे मिलता जुलता है बी, और क्या रिलेशन बना रहा है, सम का रिलेशन बना रहा है, तो सम का रिलेशन इस तरह से होगा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला ऑल सी आर बी, ठीक है, बी आर सी नहीं बोला, ऑल सी आर बी, यानी कि जो सी होगा वो पूरा का पूरा बी में आएगा। अब बी आपका यहां पर है, ठीक है, बी आपका यहां पर है, अब पूरा पूरा सी कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब सी सी कहां पर आएगा, सी इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि तो बी बी छोटा हो जाएगा, उसमें बोला गया ऑल सी आर बी, यानी कि पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, तो सी इसका मतलब छोटा होगा, तो सी आएगा यहां पर कहीं बीच में, ठीक है, क्या सी से कनेक्शन बोला गया। उसके बाद बोला गया नो सी इज डी, यानी कि देखो सी का कोई रिलेशन नहीं है डी के साथ, यहां कोई डी होगा उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं, इनकी बनती नहीं है। तो ये हमारा फिगर ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक सिंपल वे में समझ रहे हैं। अब आते हैं कंक्लूजन, फिगर में आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये सिंपल सा फिगर था। क्वेश्चन में आते हैं, कंक्लूजन में आते हैं, सम सी आर नॉट डी। पहली चीज तो सिलेबस में ये देखनी होती है कि जब हम लोग अचानक से क्वेश्चन करते होते हैं
तो यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव चीजें देखते हैं। अगर यहां पर कोई चीज पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लिखी है तो कंक्लूजन कोई निगेटिव नहीं होगा, यहां निगेटिव लिखा है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो यहां पहले फर्स्ट ऑफ देख लेते हैं, यहां पर कोई निगेटिव सेंटेंस है तो जैसे कि हम देखते हैं सम वाला जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ऑल वाला भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नो वाला निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ये एक चीज होती है। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस, ये एक निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हमको यहां मिल गया नॉट, कंक्लूजन में नॉट मिल गया। नॉट का मीन्स ये है कि इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में इसमें बिना बना हुआ है, ठीक है। तो सम सी आर नॉट ए, सी का कोई कनेक्शन ए के बारे में बताया हुआ है, यहां पर पूरा देखिए सी से ए का कोई रिलेशन बताया नहीं गया है सीधे तरीके से, सी आर नॉट ए, तो कुछ सी ए नहीं हो सकते हैं, यहां तो कोई नहीं है तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते। और हाँ, जैसा जो क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ आपको उतना ही दिमाग लगाना, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, हम ये बता नहीं सकते कोई, हमको नहीं पता, ठीक है, तो हमको नहीं पता तो अभी क्रॉस में रखते हैं। उसके बाद आता है नो ए इज डी, क्या कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, देखिए यहां पर सी है, सी तो सी से डी का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ए से डी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है सम ए आर सी, सम ए आर सी यानी कि सम ए का कोई भी जो फिगर है वो सी में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं हो गया। लास्ट आता है सम बी आर नॉट डी, ठीक है, ये बोला है सम बी यानी कि बी का कुछ हिस्सा नॉट डी, डी नहीं है, ठीक है, डी से नहीं मिलता है। तो अब ये देखिए जो सी है बी के अंदर ही तो है, तो वो भी प्रकार से बी का हिस्सा ही तो हुआ, अगर बी का हिस्सा यहां पर है ये बी ऐसे हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है, तो एक टाइप से ये भी तो बी का हिस्सा ही है छोटा सा बीच में है तो सी का हिस्सा है, तो सम बी और नॉट डी, क्या कुछ बी डी नहीं है, तो बिल्कुल ये बात सही है, तो आपका आंसर हो गया ये, तो ठीक है। तो ऑप्शन तो छोड़िए, यहां होगा ऑप्शन यानी कि ओनली फोर करेक्ट, ठीक है। तो बेसिक में आज मैंने सिलेबस में इतना ही बताया है, इसके आगे हम धीरे धीरे इस पे चैप्टर पे चलेंगे और आपको आगे समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल बनाया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।